कि मॉर्निंग में डीपीएस मथर रोड की प्रिंसिपल मैडम ने हमें इन्फॉर्म किया कि एक ईमेल आईडी आया है जिसमें किसी बम की कॉल है, थ्रेट की कॉल है, और लिखा गया कि 9 बजे ये बम चलेगा। फौरन हमने अपने मल्टीपल टीम्स, क्राइम ब्रांच की बम डिस्पोजल टीम, वेरियस टीम्स की बम डिस्पोजल टीम, बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग्स, स्पेशल सेल की स्वैट, पर्सनली लोकल पुलिस के स्टाफ को डिप्लॉय कर रखा है। हम एक एक करके बिल्डिंग को सैनिटाइज कर रहे हैं। हमने दो एक बिल्डिंग को सैनिटाइज कर लिया है, आउटसाइड के एरिया को भी सैनिटाइज कर लिया है। फिलहाल कोई भी सस्पिशियस चीज़ नहीं मिला है, अभी हमारी जांच जारी है। मेरी आपसे अनुरोध ये है कि पैनिक ना करें। हम साथ के साथ ये चाह रहे हैं कि इसमें कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, कोई बच्चा किसी अनजान व्यक्ति के साथ ना चला जाए, किसी बच्चे को और चोट ना लगे पैनिक के वजह से। तो आपके माध्यम से पेरेंट्स को ही बता रहा हूँ कि अभी कोई थ्रेट नहीं है, हमारी जांच जारी। बच्चे पेरेंट्स को अलाउ कर रहे हैं, बच्चे आइडेंटी, देखो इतनी बड़ी भीड़ में, यहाँ लगभग 4000 बच्चे स्कूल में, एक एक बच्चे को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अथॉरिटीज़ के पास भी कोई मैकेनिज्म नहीं है, आपको पता है पेरेंट्स थोड़े पैनिक करते हैं। हमने पेरेंट्स को अलाउ किया है अपने बच्चों को आइडेंटिफाई करके, टीचर से वेरीफाई करके बच्चे अपने घर में जा रहे हैं।